वैवाहिक जीवन का नपुंसकत्व का वाद जो है, इसमें जो त्रुटियां हैं वो भी दूर होंगी। अभी फिलहाल महाराष्ट्र के नासिक यूनिवर्सिटी में, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो नासिक में है, उन्होंने एक समिति का गठन किया हुआ है और यह समिति अभी इसमें की जो त्रुटियां हैं वो दूर करेगी। क्या होता है कि जब शादी के बाद में पुरुष लैंगिक कॉन्टैक्ट रखने के लिए असमर्थ हो जाता है, वो कॉन्टैक्ट नहीं करता है, तो पत्नी बोलती है कि भाई हमारा कुछ हो नहीं रहा है, कुछ संभोग नहीं हो रहा है, ये आदमी में नहीं है, और फिर वो कंप्लेन करती है। फिर बाद में मैटर कोर्ट में जाता है, कोर्ट बोलता है कि भाई ठीक है अभी इनकी जांच करवा के लाओ ये लड़की की। लड़का बोलता है मैं तो ठीक हूँ, वो ऐसा कभी बोलता ही नहीं कि मैं ठीक नहीं हूँ, वो तो बोलता मैं ठीक हूँ, मैं तो कर सकता हूँ, ये नहीं बोल रही है। तो फिर होता क्या है कि जब डॉक्टर जाँच करते हैं तो जाँच करने के बाद में वो देखते हैं कि लिंग में कठोरता आती कि नहीं आती, टाइट होता कि नहीं होता, तो उसके लिए टेस्ट है कि लिंग में ब्लड फ्लो जा रहा कि नहीं जा रहा, कठोरता उसको आ सकती कि नहीं आ सकती, वो टेस्ट करके वो देते निदान कि इसमें कठोरता आ सकती है। मगर जब वो रिपोर्ट देते हैं डॉक्टर, तो रिपोर्ट दुहेरी नकारात्मक होता है, और दुहेरी नकारात्मक मतलब ऐसा है कि पुरुष जो है तो यह लैंगिक संभोग करने में असमर्थ है, ऐसा कुछ भी जाँच के दरम्यान दिखाई नहीं दिया। अभी दो नकारात्मक हो गए, इसका मतलब वो होकारात्मक है कि वो कर सकता है, तो फिर कर सकता है ऐसा भी नहीं है। तो ये दुहेरी नकारात्मक जो मत दिया जाता है, इसमें न्यायालय दिशा भूल हो जाती है, न्यायालय इसमें निर्णय नहीं ले सकता है। क्या होता है कि पहली प्रक्रिया है लिंग में कठोरता आना, पहली बात, और नंबर दो है कठोर लिंग से संभोग कर सकना। अब वो कठोर लिंग तो हो रहा है मगर उसमें वो संभोग ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर अभी उसको मालूम किया जाना चाहिए कि भाई कठोर लिंग से वो संभोग कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि कठोरता आ रही है मगर वो संभोग करने में असमर्थ है। हो सकता है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मानसिक नपुंसकत्व है, हो सकता है परिस्थितिजन्य नपुंसकत्व है, परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ नहीं कर सकता हो सकता है कि चिंता से नपुंसकत्व आया हुआ है, हो सकता है कि उसको वो असेक्सुअल है, मतलब सेक्स की इच्छा ही नहीं होती है, सेक्स ड्राइव या सेक्स डिजायर ही नहीं है उसको, टेंशन तो आता है, लिंग कठोर होता है, इच्छा ही नहीं होती। तो ये वैवाहिक जीवन का नपुंसकत्व जो वाद है, ये वाद सुलझाने के लिए अभी एक समिति के कमेटी का गठन किया गया है, और डेफिनेटली अभी एक कठोर ये जो समिति है वो देखेंगे कि भाई इसमें क्या निकल सकता है, क्योंकि आदमी दिखने में अच्छा दिखता है, सभी टेस्ट स्कोर वो नॉर्मल है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बराबर है, लिंग का प्रवाह जो है ब्लड फ्लो वो ठीक है, इरेक्शन आ रहा है, तो साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट जो है वो इसमें कहीं जांच ही नहीं होती। अभी उसके लिए समिति निर्णय लेंगे और इससे न्यायालय में कोर्ट में इसके लिए सहायता होंगी कि भाई जज जो है वो निर्णय ले सकेंगे कि इनको डिवोर्स देना कि नहीं देना। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा, और बाकी लोगों को भी कि जो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको तो आता है मगर जब इच्छा ही नहीं हो रही और हाथ भी नहीं लगा रहे और सेक्स हुआ ही नहीं है, तो इट इज़ बेटर कि आप डिवोर्स दे दो। मगर लोग क्या करते हैं कि लड़की को अटका के रखते हैं, डिवोर्स भी देते नहीं है और फिर प्रॉब्लम करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, सब्सक्राइब लाइक चैनल को करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।